रिविजन कैसे करते थे? सुबह उठने के बाद क्लास और सोने से पहले आपका शेड्यूल क्या रहता था? जैसे अगर टेस्ट हम लोग दे रहे हैं और एक सवाल नहीं बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है और लगने लग जाता है कुछ नहीं होने वाला है। हेलो बच्चों, बेसिकली थोड़ी देर पहले अपनी मुलाकात हुई थी। ये हमारा पुराना स्टूडेंट है, लीडर बैच का, लास्ट ईयर के भी इसका एक्चुअली स्टूडेंट है। इसका नाम है दीपांशु। इसका लीडर बैच ड्रॉपर बैच में ये था और इसकी ऑल इंडिया रैंक थी 315, राइट। अभी ये अपना IIT दिल्ली से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में अपना BTech परस्यू कर रहा है। तो ये कब यहाँ पे आया था, इसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरह से क्लासेस के रूटीन रहे थे, हाउ मेनी नंबर्स आर सर थ्रीडीज इसने दिए, यहाँ का मटेरियल किया, क्या क्या एडिशनल चीजें की थी, राइट, टीचर्स का क्या गाइडेंस मिला, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या इसने स्ट्रेटेजी रखी थी जिससे कि इतनी अच्छी रैंक सिक्योर कर पाया, तो वो सारी बात एक्चुअली हम दीपांशु से करेंगे। क्या याद आ रहा है देखिए दीपांशु? पुरानी यादें हैं, पुरानी यादें आ रही है। चलो एक बार बच्चों को थोड़ा सा गाइड करो कि किस तरह से तुम्हारी जर्नी यहाँ पे रही थी। हाँ, ये कौन सी एक्सरसाइज है? O2 है क्या? ये रेस है। रेस, अच्छा। सो हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ IIT दिल्ली, वेयर आई एम करंटली परसुइंग माय BTech डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और उससे पहले मैं LN का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं लीडर फेज 6 का स्टूडेंट था। और सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन से शुरुआत करूँ तो बेसिकली ये होता है कि एक जनरल क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, पहला सवाल जो बच्चों का होता है लीडर फेज में, कि भाई आप कितने घंटे पढ़ते थे? हाँ तो यार, हमारी रोज़ डेढ़ डेढ़ घंटे की, चार तो क्लासेज ही होती थी, तो छः सात सात आठ घंटे तो क्लास, उसके अलावा चार पाँच घंटे सेल्फ स्टडी, इतना ही एक दिन में हो पाता है। मतलब आप छः सात घंटे सोना भी होता है, बस इतना ही सोना, रेस्ट, मतलब रेस्ट करना और पढ़ना, मेरे बस यही दो काम थे कोटा में। तो मतलब यही ऑन एन एवरेज बताऊँ तो कोचिंग और सेल्फ स्टडी मिला के रोज के 10-12 घंटे तो हो जाते थे। एनी इंटरेक्शन विद सम सोशल मीडिया, कुछ इस तरह की चीज आता ना दिमाग में कि कोई टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, कल यार थोड़ा यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है, इस तरह से नहीं हुआ, क्या हो सकता है क्लास में इतना ध्यान नहीं दिया, तो चलो यूट्यूब से ये देख लेते हैं या किसी और जगह से कुछ लेक्चर देख लिए, तो क्या वो मतलब ऐसा कुछ किया जिससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आया, या ये किया या नहीं किया? नहीं, मैंने सोशल मीडिया से मैं दूर ही था, फेसबुक इंस्टा वगैरह ये तो बाद में जेई के बाद कॉलेज में जाने के बाद ही मैंने चलाए हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे भी यार मैं वाकई में मैंने कुछ नहीं देखा, ये लेक्चर्स फालतू के लेक्चर्स वगैरह, मैं बस अपने जो यहाँ LN में क्लास में पढ़ाते थे उससे स्टिक करता था और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने पर मेरा ज़्यादा जोर रहता था। आपको जो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे वो ये जो लाइव ऑफलाइन क्लासेस जो आप अटेंड कर रहे हैं LN की, और आपका ये जो मटेरियल आप कर रहे हैं, रेस हो या शीट्स हो गई, उसके बाद आप कुछ और भी आपको मिलेगा जब जैसे जैसे पेपर के नज़दीक आ जाओगे, तो यार ये जो आपको ऑफलाइन सपोर्ट दिया जा रहा है आप इस पे ज़्यादा निर्भर रहें। और मतलब मैं पर्सनली अपने लिए बताऊँ, मैंने यूट्यूब से कुछ पढ़ाई नहीं की थी, मैं सेल्फ स्टडी और LN यही दो काम मैंने किए थे। बेटा जैसे पूरे साल के सफर में कोई ऐसा दिन रहा जब अपने क्लास कुछ छोड़ी हो किसी रीजन वाइज? हाँ तो मैंने क्लास तो मतलब मैं कोशिश करता था कि मेरी एक भी मिस ना हो। हाँ मतलब जनवरी में एक दिन मैं बीमार हो गया था तो एक दिन क्लास नहीं आ पाया था, वरना मैं 100% आया हूँ क्लासेस में। मेरी जो भी रोज सुबह 6:30 से, सर्दियों हो चाहे गर्मी हो, लेक्चर जो हमारे सुबह 6:30 से स्टार्ट होते थे मैं हर लेक्चर में आता था। आप ये मतलब मेरे टीचर्स भी एग्री करेंगे इस बात से कि मतलब मेरे अटेंडेंस ऑलमोस्ट फुल ही थी एक दिन को छोड़ के। था कोई टारगेट अपन ने सेट किया था बेटा पढ़ने के टाइम पे जब अपन ने LN में एडमिशन लिया कि मैं कितनी रैंक तक सिक्योर करूं, या कुछ इस तरह का बर्डन अपने दिमाग में रखा कि मैं इतनी परसेंटाइल लेके आऊं? नहीं सर, वो रैंक के बारे में कोई सोचा नहीं था ना खुद को, मैं ये कहता था कि मुझे इतनी रैंक लानी है। मतलब ये वाकई में आपको शायद सुन के थोड़ा अजीब लगे पर मैंने वाकई में रैंक के बारे में कभी नहीं सोचा, और ये जो रैंक आई मेरी वो मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड ही थी। हाँ मैं ये टारगेट ज़रूर रखता था कि इस चैप्टर के 100 सवाल करने हैं, 150 सवाल करने हैं, तो इस टाइप के टारगेट मेरे ज़्यादा रहते थे रादर देन की रैंक इतनी लानी और फलानी, क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में है आप जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो,
अगर आप उस पे ज़्यादा ध्यान दें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रादर देन कि आप उन चीज़ों के बारे में सोच के अपना टाइम पास कर रहे हो जो कि ऊपर वाले के हाथ में है, तो उस चीज़ों के बारे में ना सोच। सोशल मीडिया से कम्प्लीटली दूरी या थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ? नहीं नहीं नहीं, कभी कभी YouTube पे गाने वाने सुन लेता था, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत मिनिमल। हाँ सर, चलो ठीक है बेटा। आप लोगों से मैं अगर किसी को दिमाग में कुछ आ रहा हो, कोई पूछना चाह रहा हो। भैया क्या आपको कोई वीक सब्जेक्ट था? अगर था तो उसमें आपने किस तरह कोप किया, आपने किस तरह उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया? हाँ तो ऑब्वियसली फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद तैयारी में काफ़ी लूप होल्स थे मेरे, और वो कहीं ना कहीं पता चल गया था। मतलब फिजिक्स के कई टॉपिक्स मेरे एकदम ही बेकार थे, जैसे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, वो मतलब बिल्कुल ही नहीं आते थे मुझे। मैथ्स में भी कोऑर्डिनेट्स, ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आता था, और आईओसी ओसी भी लगभग ना के बराबर ही आते थे। मतलब यू नो देर इज़ अ डिफरेंस कि नोइंग द नेम ऑफ समथिंग एंड नोइंग समथिंग। तो हाँ, मैंने मतलब टॉपिक्स का नाम सुन रखा था कि ये टॉपिक होता है फलाना ढिमकाना, और कई लोग वो नाम ही बोल बोल के खुश हो जाते हैं कि यू नो टिस चैन को रिएक्शन कुछ होती है। तो हाँ, मुझे वो नाम्स पता थे, पर वो उस नाम के पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या है, यू नो नोइंग द नेम ऑफ समथिंग एंड नोइंग समथिंग। तो ड्रॉप ईयर में मेरा ज़्यादा ध्यान था नोइंग समथिंग पे रादर देन की नोइंग द नेम ऑफ समथिंग पे, तो वो था मेरे लिए। हाँ तो मैं अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देता था मैं कहूँगा, और हाँ वीक टॉपिक्स ऑब्वियसली थे तभी ड्रॉप लेने की गुंजाइश थी, लिया। नहीं एक्स्ट्रा तो बिल्कुल नहीं दिया, मतलब हाँ ये कभी मत करना कि वीक को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग जो है उसको छोड़ दिया पढ़ना, तो फिर कुछ दिन बाद वो स्ट्रॉन्ग जो है वो वीक में टर्न हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनेटली टाइम डिवाइड करना काफ़ी ज़रूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। मतलब ऑब्वियसली कि किसी को ज़्यादा देना पड़ता है, पर प्रोपोर्शनेटली थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पर ये नहीं कि केमिस्ट्री एक महीने तक पढ़ी ही नहीं, एक हफ्ते तक पढ़ी नहीं केमिस्ट्री। मतलब ये भी नहीं होता कि रोज़ केमिस्ट्री पढ़नी है, वो भी ज़रूरी नहीं है, पर ओवरऑल सिनारियो अगर आप देखो कि मान लो अभी आपके तीनों सब्जेक्ट साथ चल रहे हैं, तो जब जैसे जैसे क्लास में ये चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, तो उसके 5-7 दिन के अंदर अंदर आपके अपनी तरफ से वो एडवांस लेवल तक वो चैप्टर्स कवर हो जाने चाहिए, और एटलीस्ट ट्राई टू कवर। मतलब जितना भी डीप डाइव करना चाहो फिजिक्स और मैथ के चैप्टर्स की खासकर बात कर रहा हूँ, तो आपके पास इतना टाइम होगा कि 10-15 दिन में कोई क्लास में चैप्टर चलेगा, उसके बाद 5 दिन और जब तक अगले चैप्टर की बस थ्योरी चल रही है, उसका कोई होमवर्क मिलना शायद स्टार्ट नहीं हुआ, तो तब तक कोशिश करो कि पिछले चैप्टर के सवाल निपटा लो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल। सवाल करना ज़्यादा ज़रूरी है यार, क्योंकि पेपर में सवाल ही आएगा, ये जो थ्योरी है ये धरी की धरी रह जाएगी अगर सवाल प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ अगर पेपर में मतलब नहीं गए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो माइंडसेट है वो बेसिकली डेवलप होगा कैसे, वो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड लेवल प्रॉब्लम्स, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स सोल्व करने से, और वो करते रहो पक्का रैंक आ जाएगी। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि सुबह उठने के बाद और सोने से पहले आपका शेड्यूल क्या रहता था, और दूसरा सवाल ये है कि जैसे हमारे टेस्ट आने वाले हैं तो टेस्ट से पहले आपकी प्लानिंग क्या रहती थी और टेस्ट देने के बाद आपकी प्लानिंग क्या रहती थी? हाँ, तो इस टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते थे आप? अच्छे सवाल हैं दोनों। तो शेड्यूल तो मेरा ये रहता था कि सुबह उठा, 6:30 से ही क्लास थी तो मुझे जनरली 5-5:30 उठना ही पड़ता था, तो सुबह उठा, उसके बाद 1:30-2 बजे तक लेक्चर्स चलते थे, उसके बाद लंच करने चला जाता था 1:30 बजे के आसपास, वहाँ से मैं रूम पे लगभग 2:30 से 3 बजे रूम पे वापस आया, थोड़ा 1 घंटा पढ़ने की कोशिश की, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई तो सो गया लगभग 6 बजे तक, मान लो 1-2 घंटे मतलब दिन में भी सो लिया। और तो 6 बजे उठ के मैं कुछ चाय वाय पीने चला गया, वहाँ से आके 1.5 घंटा और पढ़ लिया, फिर डिनर करने चला गया, फिर डिनर करके आने के बाद 2-3 घंटे और पढ़ लिया, और 11:30-11 के आसपास सो गया। तो बेसिकली यही रहता था कि 4-5 घंटे की सेल्फ स्टडी और 6-7 घंटे के लेक्चर्स, बस यही रहता था यार, सिंपल चीज़ें। मैंने कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ तो बताई नहीं आपको, मैं मतलब इससे पहले भी कुछ रूम्स में होके आ चुका हूँ, तो मतलब मैं सिंपल ही बातें बता रहा हूँ सभी को। मतलब मैंने कुछ इस दुनिया से बाहर की चीज़ नहीं सोल्व की, मतलब कुछ ऐसा काम मैंने नहीं किया जो कि आपको लगे कि हाँ ये क्या कर दिया इसने,
बस वो रिजल्ट ही आपको लग सकता है कि ये क्या रिजल्ट आ गया इसका, लेकिन काम सारे ऐसे ही बेसिक ही थे कि सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे सोना, ठीक ठाक मतलब 4-5 घंटे पढ़ लेना, मतलब सिंपल काम ही इफेक्टिव तरीके से अगर आप कर लोगे यार तो अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा हाई फाई काम करने की ज़रूरत होती है नहीं। भैया आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते थे, और अगर बनाते थे तो किन सब्जेक्ट्स में बनाते थे? शॉर्ट नोट्स पे मेरा ज़्यादा ध्यान था नहीं, वो एलन हैंडबुक दे देता है, आपको भी सही टाइम पे मिल जाएगी एलन की तरफ से, तो वो हैंडबुक मेरे लिए एक तरह से शॉर्ट नोट्स का काम करती थी, और वो फॉर्मूला शीट है जैसे फिजिक्स में मैथ में, तो वो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हर चैप्टर के आपको लिख के दे रखे हैं, तो मेरे लिए शॉर्ट नोट्स वही थे। मेरा ज़्यादा ध्यान रहता था लॉन्ग नोट्स पे, जो जैसे कोई चैप्टर क्लास में चल रहा है तो सिर्फ ये नहीं कि क्लास में जो लिखवा रहे मैं वही है मेरे नोट्स में, मैं उसके अलावा सेल्फ स्टडी से भी क्वेश्चंस ऐड करता था अपने नोट्स में और क्वेश्चन सोल्व करता था, जैसे कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ तो अच्छा क्वेश्चन है तो उसको अपने नोट्स में लिख लिया मैंने, तो इस टाइप के ऐसे नहीं कि उसको रफ में करके फेंक दिया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मतलब अच्छे क्वेश्चंस को मैं कोशिश करता था कि अपने जो कॉपी है मेरी, मेरा जो रजिस्टर है उसमें इंक्लूड कर लूँ, और ये करते करते मुझे याद है जैसे मेरा रोटेशन से ही सिर्फ एक इतना मोटा 100 रुपये वाला रजिस्टर भर गया था सिर्फ रोटेशन के सवालों से, तो उस लेवल तक आपको भी ऐसे ही जा पाओगे कि आप सवाल ही करते जा रहे हो, और मेरा मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ जो मेरा प्रिपरेशन था वो वही जो लंबे नोट्स जो मैंने बनाए थे वो यही थे। शॉर्ट नोट्स हाँ मैं पेपरों से पहले एक बार ही देख लेता था, पर वो एलन हैंडबुक ही थी, मैंने खुद से बनाए नहीं थे। और भैया जैसे आपके कोई टॉपिक जो है एडवांस लेवल पे अगर पहुंचाने के लिए तो आप एक मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करते होंगे उसमें, क्वालिटी क्वेश्चंस, तो वो कितने करते थे? हाँ तो वो 100 एक टारगेट है, 100 से 150। आप भी कोशिश करो कि फिजिक्स और मैथ में खासकर एक मतलब 200 भी हो सकते हैं वो किसी चैप्टर्स के लिए, जैसे बायनोमियल जैसा चैप्टर है तो उसमें 200 सवालों की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, पीएनसी में 300 की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो और रोटेशन में भी 200 से 250 की रिक्वायरमेंट, बाकी जनरली जैसे आसान चैप्टर हैं एसएचएम जैसे तो काइनेमेटिक्स जैसे तो उसमें 100 तो वो प्रॉब्लम तो वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो चैप्टर टू चैप्टर वेरी करते थे, पर 100 से 200 मान लो कि अच्छे लेवल के 100 से 200 प्रॉब्लम्स या सोल्ड इलस्ट्रेशंस हो गए अच्छी किताबों के, तो वो मैं करता ही था 100 से 200 हर चैप्टर के, तभी आपकी एक अच्छी नींव तैयार होगी एडवांस को टैकल करने के लिए। और जैसे हम लोग को होमवर्क मिल रहा है इस समय, तब धीरे धीरे होमवर्क भी बढ़ रहा है और होमवर्क का लेवल भी बढ़ रहा है, तो उससे क्या है सवाल छूटने चालू हो रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक या दो सवाल, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में 10 क्वेश्चन छूटने चालू हो रहे हैं, और 300 से 400 लगातार चल रहे हैं, तो लगभग 40 क्वेश्चन डे के छूट रहे हैं, हम लोग काफ़ी होमवर्क मिल रहा है लेकिन छूट भी रहा है काफ़ी, तो वो जो छूटा हुआ होमवर्क है तो अब नेक्स्ट चैप्टर में जैसे हम चले गए और होमवर्क छूट गया है तो अब उसको वापस कवर करना है कि नेक्स्ट चैप्टर में जाना है? नहीं छोड़ना नहीं है यार बिल्कुल भी, तो जैसे कि मैंने बताया 5 दिन जब तक नेक्स्ट चैप्टर का होमवर्क मिलना स्टार्ट नहीं होता तो वो 5 दिन भी होते ही हैं आपके पास, और लेकिन उसके पहले 10-15 दिन जब ये चैप्टर चल रहा है होमवर्क मिल रहा है, तो ये होमवर्क तो आपको पूरा करने की कोशिश करते ही रहना है मतलब जब किसी अगले चैप्टर का आसान होमवर्क मिल रहा है तो पिछले का मुश्किल देख लिया, ऐसे ही होगा, छोड़ना तो कुछ नहीं यार, क्योंकि छोड़ने से कुछ होने नहीं वाला, इस एक साल में ये कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब झोंक डालो खुद को मतलब इस तैयारी में, मैं तो ये कहूँगा। और भी आप जैसे टेस्ट अटेम्प्ट करते होंगे तो टेस्ट में आपकी मेंस की और एडवांस की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी सब्जेक्ट्स के लिए, कि पहले मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट करूँगा मेंस में या एडवांस में केमिस्ट्री अटेम्प्ट करूँगा, तो स्ट्रेटजी कैसी थी आपकी? हाँ वो स्ट्रेटजी आपकी तभी डेवलप होगी जब आप मतलब एक अच्छे अमाउंट ऑफ पेपर्स आप सोल्व कर चुके, जैसे मैंने 100-200 पेपर तो निकाल दिए थे अपने एक साल के अंदर अंदर, तो उतने आपको भी निकालने पड़ेंगे, इतने पेपर से जब आप 100 तो मान लो 200 तो ज़्यादा हो गया, 100 मान लो कि मतलब अगर 20-30 तो आपके यही हो जाएंगे सिलेबस के दौरान, उसके बाद 10-20 अलग से, उसके अलावा 10-20 खुद से कर लिए, तो ये चलता रहता है ये मामला, तो जब आप खुद के साथ 3 घंटे स्पेंड कर रहे हो एक पेपर के दौरान, यू नो यू ट्राई आउट डिफरेंट स्ट्रेटजीज, आज मेरे लिए यह काम कर गई आज नहीं किया, तो यू गेट टू नो योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, ये सारी चीज़ें लेकिन तभी होंगी जब आप गेम में बने रहोगे, जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे रादर देन कि सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना, तो हाँ तो वो स्ट्रेटजी मेरी पेपर दे दे के ही डेवलप हुई थी, तो कभी मैंने हाँ मेरी स्ट्रेटजी जैसी ये रहती थी कि केमिस्ट्री में फटाफट कर लेता था सबसे पहले, मतलब
केमिस्ट्री में कुछ नहीं, मतलब कम ही दिमाग लगाना पड़ता है और ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री। तो मैं केमिस्ट्री से अपना थोड़ा स्कोर कर लेता था पहले, उसके बाद मैं मैथ पे जाता था क्योंकि मैथ जनरली लोग आखिर में करते हैं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा मैथ जैसे ठीक है। तो मुझे मैंने किसी किसी पेपर में मैथ आखिर में करके देखा तो वो पेपर मेरा ख़राब हो गया। तो उससे मैंने ये जाना कि मैथ अगर मैं दूसरे नंबर पे करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा ठीक है, और फिजिक्स को मैं तीसरे पे करता था। तो यह स्ट्रेटजी मतलब रगड़ रगड़ की मतलब डेवलप हुई है, मतलब हाँ। और जैसे अगर टेस्ट हम लोग दे रहे हैं और एक सवाल नहीं बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है और लगने लग जाता है ये टेस्ट में कुछ नहीं होने वाला है। और अगर ये एडवांस का टेस्ट हुआ तो वो जो डिमोटिवेशन है वो सेकंड पेपर में भी जाता है। तो यार उसके लिए पढ़ाई करनी होती है। पेपर में अगर सारे सवाल छूटते ही जा रहे हैं तो मतलब यार पढ़ के क्या आए हो। हाँ तो लगातार अगर दो तीन हो तो वो तो अपने आप को खुद को समझाओ ना कि अगर दो तीन सवाल नहीं हुए तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब मेंस का पेपर है तो 75 क्वेश्चंस हैं जैसे, तो ट्राई टू लुक एट द बिगर पिक्चर कि दो तीन सवाल अगर नहीं भी हुए तो क्या, मतलब अगर कोई सवाल पढ़ के ऐसा लग रहा है कि नहीं होने वाला तो उसको स्किप कर दो, नेक्स्ट पे चले जाओ। ट्राई तो करो, मतलब ऐसे नहीं कि सभी को स्किप करते चले गए, तो वो तो मत करना। मतलब कोई तो सवाल पकड़ो और एक बार किसी को पकड़ लिया तो मतलब कुछ तो सॉल्व करो, यू नो, अपने आप से यू कैन ट्राई सेइंग थिंग्स लाइक कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यू नो अपने आप यू नो ट्राई टू ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस इन अ वे ओनली यू कैन नो। एक साल आपको वैसे लग रहा होगा कि कम टाइम है, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक साल में अगर आप तमीज़ से पढ़ाई करो तो जेई का सिलेबस आप दो बार कर सकते हो अच्छे से एडवांस लेवल तक का। मतलब मैंने 6 महीने में ही किया था, जीरो से ही स्टार्ट करता था मैं हर टॉपिक को। ये नहीं है कि मैंने कोई टॉपिक कहीं मतलब किसी और लेवल से स्टार्ट किया, मैं जीरो से ही, जीरो थ्योरी से ही हर टॉपिक को उठाता था। मतलब ये चीज़ आई थिंक मैंने ठीक की और उसी से शायद मेरा रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक आ गया। और आपको भी यही करना है, अगर आप मेरी मानो अब जीरो से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक जाओ हर टॉपिक में, चैप्टर बाय चैप्टर चलो, जितना डीप डाइव कर सकते हो उस चैप्टर में, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसके सोल्व कर सकते हो अच्छे लेवल के उतने सोल्व करो, और ऐसा आप हर चैप्टर के साथ करते जाओ। पिछले की मत सोचो मतलब ज़्यादा, और अगले की ज़्यादा मत सोचो, जो प्रेजेंट में चल रहा है प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करो। एक एक चैप्टर करते करते आप सिर्फ प्रेजेंट का एक चैप्टर करते करते ही अगर आप 6-7 महीने अपने आप को लेके चलेंगे तो आपको लगेगा कि 20-30 चैप्टर ऐसे हो चुके हैं जिन पे आपकी पकड़ आ चुकी है। तो उस तरह उस तो इस तरीके से आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है, मतलब वो मेंस हो चाहे एडवांस हो, तो एक अच्छा फाउंडेशन आपका बन जाता है इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने का। तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि टेक चैप्टर बाई चैप्टर, और ज़्यादा घबराओ नहीं कि थर्मो के टाइम पे इलेक्ट्रो की सोच रहे हैं, इलेक्ट्रो के टाइम पे ऑप्टिक्स की सोच रहे हैं, ऐसा नहीं करना। क्लास में जो चल रहा है ट्राई करो कि जैसे काइनमेटिक्स चल रहा है तो अपने आप से ये कहो कि काइनमेटिक्स का सवाल तो मैं मेंस में या एडवांस में गलत नहीं करने वाला। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस आई मेक श्योर दिस हैपन कि मैं काइनमेटिक्स का सवाल तो नहीं गलत करने वाला, एडवांस में चाहे काइनमेटिक्स का कोई सवाल आ जाए मैं गलत नहीं करने वाला। तो अगर ऐसे करते करते आप खुद को चैलेंज थोड़ा दे रहे हो, थोड़ा खुद को मोटिवेट रोज कर रहे हो, थोड़ा यू नो ऊपर वाले से कह रहे हो कि भगवान आज आज थोड़ी हेल्प कर दो, तो धीरे धीरे ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर आप अपने आप को लेके चलेंगे तो एक साल के बाद यकीनन आपका एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है। भैया आप रिविजन कैसे करते थे? हाँ तो सबसे पहले तो अपने आप को ये कह के चलो कि उस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से कमांड इस पर हासिल करनी है कि बिना रिवीजन के भी पेपर में मैं इसको कर दूंगा। ये तो रही पहली बात, तो अपने आप से ये कह के चलना है कि बिना रिवीजन के भी मतलब यू नो पहली बार में इतनी डिटेल में चले गए कि रिवीजन की ज़रूरत ना पड़ी, अब लेकिन वो पढ़ती है रिवीजन की ज़रूरत, मुझे भी पड़ती है। तो वो रिवीजन एक तो ये कि टेस्ट से पहले जैसे तुम्हारा 25 को टेस्ट है तो 24 को और 25 को टेस्ट से पहले रिवाइज किया, ऐसे ऐसे करते करते चैप्टर बाय चैप्टर आखिर तक पहुंचा, जेई मेंस वन आ गया। तो जेई मेंस वन से पहले एक बार सारे चैप्टर्स के नोट्स गो थ्रू कर लिए, थोड़े
मेंस के पी वाई क्यूज कर लिए, थोड़े इनऑर्गेनिक के रटने वाले जो चैप्टर्स थे वो थोड़ा इनऑर्गेनिक, वो मेंस से कुछ दिन पहले वो पढ़ लिए, एक रिवीजन वो हो गया मेंस वन से पहले, ऐसे ही मेंस टू से पहले एक सिमिलर रिवीजन हो गया कि कुछ और पी वाई क्यूज कर लिए मेंस के, कुछ इनऑर्गेनिक थोड़े दिन चार पाँच दिन पहले, इनऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा घंटे पढ़ ली, यही हो गया। और उसके बाद एडवांस के बाद मतलब मेंस टू के बाद तो मेरा रिवीजन करने का ये अप्रोच था कि जैसे वीकली टारगेट्स हमें चैप्टर्स के मिलते थे, वो जो स्कोर रिवीजन प्लान जब हमारा चल रहा था तो उनके जीआरपीज दिए जाते थे हमें, कि किसी किसी चैप्टर के दो जीआरपीज भी होते थे जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, तो वो वीकली टारगेट हमें एलन से ही मिलता था। तो मैं कोशिश करता था कि उस वीकली टारगेट को पूरा करूँ। उस चैप्टर के कुछ अच्छे सवाल मेरे पास पड़े हुए हैं जो जीआरपी के अलावा हैं, तो मैं कोशिश करता था कि जीआरपी के अलावा भी उस चैप्टर के कर लूं। और रिवीजन का प्लान मेंस टू के बाद एलन ने ही बना के दिया था मुझे, और वही प्लान मैंने फॉलो किया। उसमें खुद के कुछ एक्स्ट्रा मेहनत एफर्ट्स में पुट करता चला गया। ये था कि हाँ मतलब जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो ये था कि दिन में 12 घंटे की सेल्फ स्टडी, आपको 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। एक बार जब आपका सिलेबस पूरा हो गया, क्लासेस से अगर आप एक बार फ्री हो गए, जब आपका स्कोर का रिवीजन प्लान चलेगा, तो हम भी यही करते थे अपनी तैयारी के दौरान। तो और वो करते करते जब आप खुद के साथ इतना स्टडी में सेल्फ स्टडी में अपने साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं कि आपको कैसे रिवाइज करना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ आंसर आपके अंदर से आपको मिलने लग जाएंगे। अच्छे से पढ़ो, ईमानदार से पढ़ो, जो सर लोग बता रहे हैं वो चीजें अगर फॉलो करोगे डेफिनेटली आपका भी रिजल्ट अच्छा रहेगा। और हम चाहेंगे आप में से कुछ बच्चे ऐसे रहे जो आने वाले जो बच्चे रहेंगे लीडर के, उनको ऐसे ही गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच बच्चों।